देखो शीट नंबर 78 में अर्थ मैग्नेटिज्म में हमने पहला पॉइंट ये तो कर लिया कि अर्थ के अंदर मैग्नेट कैसा होता है, हमने कर लिया मैग्नेटिक मीडियन, ज्योग्राफिक मीडियन क्या होते हैं, डेक्लिनेशन क्या होता है, डिप एंगल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला कि इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा 0 बनता है और पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा 90 बनता है। नोट करें प्लीज, इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप 0 है, पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप 90 है। नोट करें ऐसे। ठीक है, लिख लिया ये फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी साइन डेल्टा। डिवाइड करेंगे तो टेन डेल्टा बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल, और बी की नेट वैल्यू ये रही। ये बढ़िया डायग्राम है, जैसे एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है तो कैसे पता लगेगा, एक धागे से मैग्नेट को टांग दो तो मैग्नेट भी ऐसे हो गई, तो यानी कि लाइन ऐसे आ रही है। इसी के साथ लाइन अगर ऐसे आ रही है, यहाँ मेरिडियन बना दो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बन गया, तो वही बन गया ना डायग्राम जो बनाते हैं सेम, तो बढ़िया डायग्राम है ये। नेक्स्ट है, ये लाइंस के बारे में बुक्स में लिखा जरूर हुआ है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता दिखा नहीं मैंने, पर फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ। आइसोगोनिक लाइंस वो होती हैं जहाँ पर इक्वल डेक्लिनेशन है, अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का कई बार एंगल सेम होता है, सेम बनता है, क्योंकि अर्थ गोल है ना तो मेरिडियंस के बीच में कई एंगल बनते हैं। तो अगर वो सेम एंगल आ रहा है और वहां से जो लाइंस पास कर रही हैं मैग्नेटिक, उस मैग्नेटिक लाइंस को आइसोगोनिक लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोक्लिनिकल लाइंस, जिसमें इक्वल एंगल ऑफ डिप बनता है। जैसे अगर आप इक्वेटर ले लें, इक्वेटर गोल है, इक्वेटर के किसी भी हिस्से पे खड़े हो जाएं एंगल ऑफ डिप 0 ही बनेगा, वहां पे जो लाइंस एंटर कर रही हैं वो आइसोक्लिनिकल लाइंस है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ जीरो डिप, तो जहां पर ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप क्या बनता है, 0, वो तो इक्वेटर ही हो गया। नेक्स्ट है आइसोडायनेमिक लाइंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के ऊपर क्या रहता है, सेम, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसोडायनेमिक लाइंस। लिख लिया मैंने भी, अदरवाइज आता क्वेश्चन देखा नहीं। ये हमने कर लिया ट्रू एंड अपरेंट एंगल ऑफ डिप सेम है, ठीक। एंगल ऑफ डिप मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डिप सर्कल। काफी बार आप सुनेंगे डिप सर्कल, तो एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड बाय डिप सर्कल। ये ऑप्शनल थ्योरी है प्लीज, ये थ्योरी जस्ट, ये स्टार का मतलब ऑप्शनल है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्टडी, लिख लो इसे प्लीज पेज के ऊपर, नो नीड टू स्टडी, क्योंकि टोटल वैसे ही ऑप्शनल है। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कह रहा है देखो पूरी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो 4×10⁻⁵ टेस्ला होता है, बहुत छोटा होता है। अर्थ की मैग्नेट इतनी भी स्ट्रांग नहीं है पर कुछ तो है, तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है। फिर गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी 2×10⁻¹⁰ टेस्ला। अब इतनी बड़ी गैलेक्सी के अंदर करोगे क्या पढ़ के इसको, तो फिर वो कहता है सोलर विंड चलती है यूनिवर्स में, पूरे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड ही ट्विस्ट कर देती है। देखो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड सिमिट्री में था, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पर कम रह गया, विंड ने डिस्टर्ब कर दिया। तो मतलब गैलेक्सी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा है एस्ट्रोनॉमी के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड असर करते हैं। तो हमने ये नहीं करना ऑब्वियसली, हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे, और न्यूट्रल पॉइंट हमने कर लिए हुए हैं, सेम थ्योरी है, बस फर्क ये है कि जब ये न्यूट्रल पॉइंट निकाल रहे हैं तो मैंने अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी में पूरा फॉर्मूला लिखा था इक्वेटोरियल का, यहाँ शॉर्ट डायपोल है। क्यों, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो शॉर्ट डायपोल से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही जो एक्सियल है शॉर्ट डायपोल। बात खत्म, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ो।